पांडे ने लिखा है। अच्छा अच्छा और बच्चे भी हाय सर। ओ हाय सर, आप अब भी मुझसे नाराज हैं? पूजा प्लीज डोंट टॉक टू मी। सर मुझे माफ कर दीजिए, जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे प्रीति टीचर से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। पूजा तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, पहले करती हो फिर सोचती हो, यू नो ना किड, किसी भी बात को समझने की कोशिश किया करो। पहले आप कहिए कि आपने मुझे माफ किया और क्या मैं आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हूँ? व्हाट डू यू से, व्हाई नॉट, ये तुम्हारा अपना फंक्शन है। लेकिन एक बात याद रखो, कोई भी सीन मत क्रिएट करो, डोंट ट्राई टू स्पॉइल द एटमॉस्फेयर, ऑलराइट? आई प्रॉमिस यू सर, मैं यहाँ किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगी, प्रॉमिस। I really hope you understand what I'm saying. Hello, Mr. Raj. Oh, hello, hello. How are you? Do you have any problems with your boss? बिल्कुल नहीं. We come here pretty often. All right. Nacho कैसा है? बहुत अच्छा. चलिए बिल्कुल सही वक्त पर आ गए हैं. वरना बहुत फिक्र कर रहा था राजू आप लोगों को. कई बार पूछ चुके हैं टीचर अब तक क्यों नहीं आए. राजू ये लो तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट. ये लो. And a very happy birthday. Thank you, आंटी. और उस दिन के लिए सॉरी. किस दिन के लिए बेटा? उस दिन जब पापा ने आपको डांटा था। राजू इट्स ओके, मैं तो उस बात को भूल भी गई थी। तुम इतनी सी बात के लिए परेशान थे? मुझसे ज्यादा परेशान तो अमित था। आप घर पर भी नहीं आई, आपने फोन भी नहीं किया, तो हमें लगा आप हमसे बहुत नाराज हैं। नहीं बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। हम सब तो एक परिवार है, तुम पापा मैं, हम सब फैमिली है ना, इसलिए तो हमें लगा कि पापा ने आपको क्यों डांटा। बेटा पापा की बात का मुझे कभी बुरा नहीं लगता, वो तो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, उन्हें तो अधिकार है ना मुझे कुछ भी कहने का, और उनका गुस्सा थोड़ी देर के लिए ही रहता है। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं पापा से कहूँगा कि आपको माफ कर दे। बस राजू। हाय राजू, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरी तरफ से भी। थैंक यू टीचर, आप तो गाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों छुट्टियों में बहुत मजे कर रहे हो, है ना? अमित तुम स्कूल कब वापस आ रहे हो? अब तो मैं राजू के साथ ही स्कूल वापस आ रहा हूँ। राजू